ये निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि नोटिस देने के आधे घंटे के अंदर दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। नोटिस दिया जाता है तो उस पर जवाब मांगा जाता है, जवाब बिना लिए, बिना दूसरे पक्ष को सुने, बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और की जाती है तो न्यायालय उसको रद्द कर देता है। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े कि नोटिस मिला, जवाब मिला नहीं, जवाब और उससे पहले ही निकाल दिया गया। तो ये असंवैधानिक है। ज्यूरिसप्रूडेंस के न्याय शास्त्र का जो नैसर्गिक नियम है उसके अनुसार भी बिना किसी की के पक्ष को सुने हुए आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये जो कार्रवाई की है मुख्यमंत्री के खिलाफ और मेरे खिलाफ, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और गलत तथ्यों के आधार पर है। सर, आपका ये कहना है कि निष्कासन जो आपका हुआ है वो असंवैधानिक है, नेताजी का ये कहना है कि आपने जो सम्मेलन जो भी बुलाया है वो बिना उनकी अनुमति के बुलाया गया, तो वो भी आपने असंवैधानिक ही करी। देखिए, ऐसा है कि इस पार्टी में लगातार शीर्ष स्तर से असंवैधानिक काम हो रहे हैं लगातार, और पार्टी का अध्यक्ष अगर असंवैधानिक काम करे तो सम्मेलन कौन बुलाएगा? फिर तो सम्मेलन तो जनप्रतिनिधियों की मांग पर बुलाया ही जाएगा। अगर सबसे बड़ा आदमी काम करे, एक बार भी पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक नहीं हुई हो, कैसे ये सूचियां डिक्लेयर हो गई? संविधान में है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी में था, एक भी मीटिंग नहीं हुई, दिखाए कहां है मीटिंग, फिर कैसे पार्टी के उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए? तो सारा काम असंवैधानिक हो रहा है। उस असंवैधानिक कार्य को ही ठीक करने के लिए कार्यकर्ताओं की जब मांग आई, मेरे पास लिख के हजारों लोगों ने लिख के दिया, डेलीगेट्स ने, तब ये मीटिंग बुलाई गई। और आपातकालीन मीटिंग के लिए कोई टाइम वाइम नहीं होता है,